say love is free, but it's more than you can see. It's a song, it's a melody, it's the beat of you and me. It takes more than words to know. अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और आज है 14th of February और वैलेंटाइंस डे तो खैर हम नहीं मना रहे, लेकिन हम हस्बैंड वाइफ हैं तो कोई बात नहीं, हम लव डे मना लेते हैं। और हर तरफ रेड रेड हो रहा है, UAE में, पाकिस्तान में, इंडिया में, हर तरफ रेड 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 है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम रेड फूड चैलेंज करें, 24 आवर्स फूड चैलेंज जो होता है ना, तो उसके लिए मैंने फिर रेड कलर चूज़ किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़े करा, बहुत ही फन रहा, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने चॉकलेट जो है ना, ब्राउन भी और ये वाइट भी, इसको मैंने 30-30 सेकेंड माइक्रोवेव में हीट किया है और फिर मिक्स किया है। चॉकलेट जो है वो काफ़ी थिक है, तो इसको थिन आउट करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा ऐसे 5-6 ड्रॉप्स मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑलिव ऑयल डाल दें या इवन कुकिंग ऑयल भी डाल दें तो चलता है, नो प्रॉब्लम। और ये देखिए अपनी मर्जी की, आपकी कंसिस्टेंसी हो जाए तो फिर आप इसको इस तरह से एक जो पाइपिंग बैग होता है उसमें डाल दें। अगर आपके पास पॉइंटेड वाला पाइपिंग बैग नहीं है तो किसी भी स्क्वायर वाले प्लास्टिक बैग की एक कोने में डाल दें और फिर एंड पे आप उसकी टिप को कट कर देंगे तो वो आपका पर्पस पूरा हो जाएगा। जिप लॉक बैग भी ले सकते हैं आप। तो ये इसमें मैंने चॉकलेट डाल दी है, ये वाइट वाली भी, और इसी तरह से एक मैंने पाइपिंग बैग बना दिया है रेड चॉकलेट के लिए। और चूंकि बनानी है सारी चीज़ें रेड, तो मैं बिल्कुल ये नहीं करूँगी कि बस सिर्फ रेड ही रेड नज़र आए, लेकिन रेड के साथ डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो आप आम दिनों में भी बना सकें और वो चीज़ें अच्छी लगें। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ अब किसी रेड डे पर ही करनी पड़ेगी। तो ये स्ट्रॉबेरीज हैं, इनके ऊपर मैं ब्राउन और वाइट चॉकलेट लगाऊंगी और बस इस तरह से मैं बनाती जा रही हूँ ज़िगज़ैग। और बहुत क्यूट लग रहे हैं और इनका जो कॉन्ट्रास्ट है वो बहुत बहुत प्यारा लग रहा है और खाने में भी बहुत अच्छी लग रही है। चॉकलेट जो है ना वो मैंने हर्शीज़ की ली है, तो इनका जो टेस्ट होता है ना ये बहुत अच्छा होता है हर्शीज़ की चॉकलेट का। और साथ में स्ट्रॉबेरीज भी बहुत ही हमें रेड और फ्रेश जूसी और बहुत ही स्वीट वाली मिल गई थी, तो मैंने कहा ये तो ज़बरदस्त हो गया। मैंने मुफ्ती मैंग का एक लेक्चर सुना, मैं जानना चाहती थी कि उनका वैलेंटाइंस डे के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू। ऑब्वियसली कभी भी कोई भी मुफ्ती ये नहीं कहते कि वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करें, कह ही नहीं सकते। लेकिन उन्होंने ये बोला कि आप अगर स्पाउस हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो आप तो रोज़ सेलिब्रेट करें, कोई एक दिन की बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी वाइफ 14th February को बाकियों को देख के इंस्पायर हो के अगर आपको कह भी रही हैं कि मुझे रोज़ ला दो, मुझे कुछ चॉकलेट्स ला दो, तो आप ज़रूर ला दें। क्योंकि हम लोग बैकग्राउंड में ये तो नहीं कि वैलेंटाइंस डे पे जो कुछ भी हुआ मुझे तो पूरी तरह पता भी नहीं है, लेकिन जो भी स्टोरी हुई है तो हम उसको सेलिब्रेट नहीं करें। ये एक प्यार भरा दिन है जिसको सारी दुनिया अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट कर लेती है। तो जैसे चिल्ड्रन डे हो गया, मदर्स डे हो गया, तो ये बस उसी तरह ही मैं इसको लव डे कहूँगी, ठीक है, वैलेंटाइंस डे नहीं कहूँगी। तो इसलिए हम लोग भी आज ये वाला बड़ा मज़े का काम करें। और शहजाद तो कह रहे थे कि कलर डे जो है ना बार बार किया करो, मैं इंशाल्लाह आपको बड़ी जल्दी कोई और कलर डे भी करती नजर आऊँगी। पाइपिंग बैग मैं सेट कर रही हूँ क्योंकि योक जो है वो मैंने एग में फिल करनी है। हम बना रहे हैं डेविल्ड एग उनका नाम होता है, लेकिन उनका अल्टरनेट नाम रशियन एग और स्टफ्ड एग भी होता है, तो डेविल्ड एग सुनना अजीब सा ही लगता है, तो हम कहेंगे उसको रशियन एग्स। तो हम लोग बनाने लगे हैं एग्स के लिए। मैं इनको इस तरह से स्लिट दे रही हूँ क्योंकि सेंटर में से डायरेक्ट कट करेंगे तो वो फिर थोड़ी सी योक एग वाइट के ऊपर भी लग जाती है कट करते हुए ना, तो एक मैंने इस तरह करके देखा है तो वो ज़रा नीटनेस नहीं आती। सो हम जो सारी योक्स हैं इनको एक चॉपर में डालते जाएंगे और इसी तरह से सारी एग्स साइड पे करते जाएंगे। ये एग वाइट्स एग्स जो है ना ये 6 हैं टोटल। इन एग योक्स में हम डालेंगे मेयोनेज और साथ में मस्टर्ड पेस्ट। अब मेयोनेज मैं यूज़ करती हूँ अमेरिकन गार्डन की, लाइट मेयो होती है, और अगर आपके पास जौन सी भी मेयोनेज आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इसमें फ्रेश क्रीम डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। आप अपनी मर्जी के स्टाइल से आप इसे बना सकते हैं। इसमें नमक, लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, इसके अलावा आप इसके अंदर डाल सकते हैं जनाब पेपरिका पाउडर डाल लें, मतलब अपनी मर्जी का फ्लेवर बना लें। लेकिन बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम क्रीमी बना रहे हैं, ठीक है। तो क्रीमी बनाने के लिए मैंने इसमें डाली है मेयो और साथ में इसमें जाएगा मस्टर्ड पेस्ट।
इंग्रेडिएंट्स, क्वांटिटी एंड कंप्लीट प्रिपरेशन मेथड जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और आई नो मैंने आपसे शेयर किया हुआ है कि मैंने रेसिपी कार्ड्स आपसे शेयर किया करने हैं, बस थोड़े से दिन, ये बीच में वैलेंटाइंस डे वगैरह मतलब लव डे आ गया तो इस वजह से हमने थोड़ा सा, मैं इन कामों में लग गई हूँ, मैं उसके बाद आपको इंशाल्लाह वो रेसिपी कार्ड्स भी शेयर किया करूँगी। तो इसको बेसिकली हमने बिल्कुल इतना फाइन चॉप करना है कि क्रीमी सा हो जाए, और अगर आपको ज़रूरत पड़े, जो मैंने रेसिपी में लिखी है मेयोनीज, उसके बावजूद अगर आपको ज़रूरत पड़े और डालने की तो आप डाल सकते हैं। रीज़न ये है कि एग्स छोटे भी साइज़ के हो सकते हैं, बड़े साइज़ के भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि जिस साइज़ के एग्स मेरे पास हैं एग्जैक्टली आपने वही लिए हैं, ठीक है। अगर आपको लगे कि ये योग क्रीम काफ़ी थिक है, आप मजीद मेयो नहीं डालना चाहते, तो वो जो विनेगर वाला पिकल होता है, चाहे वो ऑलिव्स हैं या वो डिल पिकल है, क्यूकम्बर पिकल है, जो भी आपके पास रेडीमेड अवेलेबल है या इवन होममेड है, आप उसमें से थोड़ा सा एक टीस्पून आप उसके अंदर से लिक्विड निकाल के डाल सकते हैं, तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। सॉल्ट एंड पेपर भी ऐड कर लें तो बहुत मज़े का स्पाइसी सा भी बन जाएगा। तो ये देखिए मैं ऊपर स्पाइरल से ये डिज़ाइन बना रही हूँ, अगर आपके पास इस तरह से कुछ भी नहीं है तो आप स्पून की हेल्प से भी इसके अंदर रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने भी ऐसा ही डिज़ाइन बनाना है, लेकिन जस्ट इस तरह के डिफरेंट आइडियाज़ को फॉलो किया करें, एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी होता है, फैमिली भी इंजॉय करती है और आपको भी एक नई चीज़ जो है वो सीखने को और टेस्ट करने को मिल जाती है। इस रेसिपी को रेड करने के दो तरीके थे, एक तो ये कि मैं एग्स को रेड फूड कलर में डिप करके रख दूँ, लेकिन वो मुझे बहुत अननेसेसरी लग रहा था, और अगर मैं इस तरह से बीट रूट के पानी में करती तो वो पिंकिश सा हो जाना था। बीट रूट पिकल है जो मेरे साथ मिशारी ने बनाया था, वो वीडियो अपलोड होनी थी लेकिन बीच में ये लव डे वाला हमारा रेड डे चैलेंज आ गया, तो मैंने फिर उस वीडियो को भी अपलोड नहीं किया। तो ये जो है ना बीट रूट्स हैं, और इनको मैं सीजर्स की हेल्प से चॉप कर रही हूँ, पानी इनका सारा मैंने अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर दिया ताकि योग में बह ना जाए, तो इससे हम योग को टॉप कर देंगे। साथ में ये हैं जी मेरे पास रेड ग्रेप्स, सीडलेस ग्रेप्स, मिशारी को और तिहामी को बहुत पसंद है और लोग बहुत शौक से खाते हैं। बाय द वे जो सीड्स बच्चे खा लें ग्रेप्स के, बहुत अच्छी बात है, सीड्स बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं, तो कोशिश ज़रूर करें कि बच्चों को आदत पड़े, मैं भी कोशिश में लगी हुई हूँ। ये मेरे पास थोड़ी सी गोल्ड डस्ट पड़ी हुई थी, ये एडिबल गोल्ड डस्ट है, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा वाटर मिक्स किया है और इसको मैं लगा रही हूँ जी ये ग्रेप्स के ऊपर। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है। लास्ट ईयर जब मैंने छोटी ईद पे घर में एक पार्टी रखी थी, आपसे मैंने शेयर की थी सारी रेसिपीज़, तो उसमें जो मैंने कुकीज़ बनाए थे उनमें मैंने ये गोल्ड डस्ट यूज़ की थी, उसके बाद अब ये सेकंड टाइम है जब से मैंने लिए है, अब यूज़ कर पा रही हूँ। लेकिन ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, अगर आपके घर मेहमान आ रहे हों तो आप इस तरह की चीज़ें भी अगर जस्ट उन्हें सर्व करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक आम सी चीज़ इतनी स्पेशल बन जाती है कि बहुत प्यारी लगती है। फिर उसके बाद मिशारी आ गया हेल्प करने के लिए, और फिर उसको मैंने थोड़े से ग्रेप्स पहले ही उसके लिए साइड पर रखे हुए थे, मुझे पता था कि उसको करना होगा इसको कलर, तो बस मिशारी इस काम में लग गया है। मिशारी भी रेड पहन के फिर रहा है, मेरे पास प्योर रेड नहीं है, तो इस वजह से जहां जहां जितना जितना सा रेड अवेलेबल हो रहा था मैंने वो रेड सारा मिक्स करके पहन लिया है। अब यहाँ पे बनने लगे हैं रेड वेलवेट पैनकेक्स, आम पैनकेक्स नहीं है, रेड वेलवेट पैनकेक्स हैं, तो ये बहुत ही वेलवेटी टेक्सचर है और रेड तो ऑब्वियसली ये हैं ही और बहुत ही टेस्टी हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है मैदा और जो आम चीनी होती है वो है, कोको पाउडर है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा है। जिन बेकिंग रेसिपीज़ में हम बेकिंग सोडा डालते हैं या फिर कोको पाउडर डालते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसमें हम लोग विनेगर भी डालते हैं, क्योंकि उससे फ्लफ जो प्रोड्यूस होता है, क्योंकि हमने अपने चाइल्डहुड में भी पढ़ा हुआ ना बेकिंग सोडा एंड विनेगर प्रोड्यूसेस गैस, तो बस वो चीज़ होती है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा जो है ना फ्लफी बनते हैं। ये हमने इसमें डाला है विनेगर और साथ में ये रूम टेम्परेचर पे मिल्क। ड्राई इंग्रेडिएंट्स के बाद अब हम आ गए हैं जी वेट इंग्रेडिएंट्स की तरफ। मैंने डाल दिया इसमें मिल्क और साथ में वनीला एसेंस इसमें जाएगा, उसके अलावा इसमें हम डाल देंगे एग, और इसमें अब जाएगा ऑयल और लास्ट में फूड कलर। अगर हम स्पेशल एक दूसरे को फील करा ही रहे हैं आज के दिन, तो उसमें फिर सिर्फ हस्बैंड वाइफ आई थिंक नहीं होने चाहिए, बच्चे भी होते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं, इन लॉज भी होते हैं, और अपने जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी होते हैं, सिबलिंग्स, रिश्तेदार सारे होने चाहिए, और स्पेशली वो लोग होने चाहिए जिनको ये दिन स्पेशल फील कराने वाला कोई नहीं होता। तो इंशाल्लाह मैं ऐसे लोगों के साथ ज़रूर, मैं और शिदाद, हम लोग प्यार शेयर करेंगे, बच्चों को भी ये चीज़ सिखाएंगे कि प्यार सिर्फ ये नहीं है कि जो हम आपस में
दूसरे से शेयर करें, जो ज़रूरतमंद है उनको भी प्यार की उतनी ही ज़रूरत होती है। तो इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। और बाकी ये है कि जी जनाब, मैंने ये जो पेन लिया था, मुझे जो है ना बहुत बस यूज़ करना था बस जल्दी जल्दी इसको, तो मैंने इसको ड्रिजल किया ऑयल से, मतलब हल्का हल्का ऑयल मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया और ये जो पैन केक बैटर है ये मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। और फ्लेम इतना लो है, जितना मैक्सिमम लो आप कर सकते हैं ना वो आपने करना है, क्योंकि अगर फ्लेम तेज़ होगा ना तो ये रेड कलर ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा नीचे से, तो ये हमें नहीं चाहिए। अभी उसकी एक एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाऊंगी कि थोड़ा सा मेरे मुताबिक जो है वो फ्लेम ठीक था लेकिन हल्का सा ज़्यादा था, तो आप रिजल्ट देख लेंगे। यहाँ पे ये देखें जी, ये एग्स जो है रेडी हो गए हैं। इसके ऊपर मैंने ये चॉप्ड वाले जो बीट रूट्स हैं ये इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ, और ये बिल्कुल जेम्स की तरह लग रहे थे रियल लाइफ में देखने में, शाइनी शाइनी से बीट रूट्स थे और डेकोरेट हुई हुई योक्स थी। और हमारे रशियन एग्स तो बहुत बहुत प्यारे लग रहे हैं, माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रहे हैं, और इनका टेस्ट है हमी कोश रात को बहुत अच्छा लगा था। ये तो हम आम दिनों में भी ब्रेकफास्ट के तौर पे बना सकते हैं। जुइने के पाइपिंग बैग जो बस स्पून से डाला और सर्व कर दिया। अब ये देखें, लाइट से फ्लेम के ऊपर हमने रखा हुआ है, ओके। और ये देखें, मैंने ये साइड चेंज किया ना तो कलर चेंज हुआ, तो अब मैं क्या करूँगी कि साइड चेंज नहीं करूँगी, बर्न बिल्कुल नहीं हुआ लेकिन उसका कलर जो है ना वो चेंज हो गया हीट की वजह से। तो इतने हल्के फ्लेम पे आपने इसे पकाना कि ये देखें पूरे पैनकेक्स बबल से भर गए हैं और ऊपर से अभी शाइनी है ना, तो जिस वक्त इनकी शाइन ख़त्म हो जाएगी वो निशानी है कि पैनकेक रेडी हो गया है, ठीक है। आपको इसको एक बार भी पलटने की ज़रूरत अभी नहीं है। ये देखें शाइन ख़त्म हो गई है, इसको ऊपर टच करते हैं तो फिंगर पे बिल्कुल भी बैटर नहीं लगता। तो मैंने एक बार इसको ये एक साइड जल्दी से चेंज किया है, जस्ट टू मेक श्योर, इस पे बस लगाए जस्ट टू मेक श्योर कि जी ये एक जो साइड है कोई अगर कसर रह गई है तो पूरी हो जाए, और साथ ही मैं इसको चेंज कर दूंगी साइड, नहीं तो ये ना हो कि वो भी सारे जो है कलर चेंज कर लें। तो रेड कलर के साथ ना ये बहुत बड़ी गेम है। मुझे रेड कलर के बारे में इस तरह पता है कि मैं एक दो बार रेड वेलवेट कुकीज जो होते हैं ना क्रंची वाले, वो मैंने आपसे शेयर किए हुए हैं, लेकिन वो आई थिंक हाइल की या फिर दमाम की बात है, तो इसलिए मैंने एक दो दफ़ा रेड कलर के साथ काम किया हुआ है। बाकी ये कि फॉन्डेंट मेकिंग वगैरह में तो रेड में हीटिंग की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए मुझे इतना आइडिया नहीं था, लेकिन बहरहाल ये टिप्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो कोई भी रेड के अलावा कोई भी कलर हो तो यही टेक्निक अप्लाई करनी है कि हल्के फ्लेम पे बबल्स आ जाएं पूरे पैनकेक में, और फिर उसके बाद जब ऊपर से पैनकेक की शाइन ख़त्म हो जाए तो बस एक सेकेंड के लिए पलटे और बस साथ ही उसको निकाल दें। तो ये चूंकि है रेड वेलवेट पैनकेक्स फ्लफी टाइप के, तो इसके साथ क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग ना हो ये हो नहीं सकता, आपके लिए टोटली ऑप्शनल है, कई लोग नहीं यूज़ करते क्रीम चीज़, तो मैं यहाँ पे यूज़ करी हूँ किरी। और अगर आपने ये नहीं यूज़ करना तो आप सिंपल पानी लेके उसके अंदर जो पाउडर्ड शुगर होती है ना उसको मिक्स कर लें, थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल लें, तो वो भी एक बहुत अच्छी ग्लेज बन जाती है। तो मैंने यहाँ पे ली है जी क्रीम चीज़, और इसके साथ मैं इसके अंदर डाल दूंगी थोड़ा सा वनीला एसेंस होगा, थोड़ी सी इसमें शुगर डलेगी और साथ में इसमें डलेगा दूध। बिल्कुल मेयो की तरह ये किरी का भी मेरा ये पैक ख़त्म हो गया था, उसको दूसरा मैंने निकाला था। और ये देखें पाउडर शुगर जा रही है, साथ में इसमें जा रहा है वेनिला, और ये भी ख़त्म। तो चलें जी, इसीलिए मैं एक दिन पहले शॉपिंग करके आई थी, वो आपको नॉच व्लॉग्स पे देखने को मिल गई होगी वीडियो, तो मैं सारी चीज़ें लेके आई थी क्योंकि मेरा सामान ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि ये थोड़ा सा लंपी होता है ये क्रीम चीज़, इसको मैंने अच्छी तरह से पहले मिक्स किया, इसके साथ ये क्रीमी हो गया, तो इसके अंदर मैंने रूम टेम्परेचर मिल्क डालना शुरू किया। अगर ठंडा मिल्क डालेंगे ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसको जो है ना यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी देने के लिए, तो आप इसमें मिल्क अपनी मर्ज़ी से डालते जाएँ ताकि ये बिल्कुल आपकी मर्ज़ी का ना पोरिंग कंसिस्टेंसी हो जाए। ये देखें ऊपर से इनकी शाइन खत्म हो चुकी है ना, पहले कितने लस्ट्रस से लग रहे थे लिटरली, और ये देखें एक 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 सेकंड के लिए मैंने ये रखा है, यूं यूं एक एक बार किया और बस अब मैं इनको निकालना भी शुरू कर दूंगी। ये देखें जी, ये देखें डन हो गया। तो बस जो भी आपने पैनकेक्स बनाने हैं वो आपने इस तरह से बनाने हैं। आई वुड सजेस्ट अगर आपने वो बनाने हैं ना बगैर किसी कलर के, तो भी आप इस तरह कर सकते हैं, सेम मेथड फॉलो कर सकते हैं। तो अब आगे टाइम प्रेजेंटेशन का, जो कि मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम होता है लेकिन मोस्ट जो है ना एंटरटेनिंग भी होता है मेरे लिए, और बहुत ही मज़ा आता है मुझे, मैं इंजॉय करती हूँ। तो पहले मैंने इनको इस तरह से लाइन अप किया था, उसके बाद मैंने इनको इस तरह से रख दिया है, और बस इनको मैं डेकोरेट कर दूँगी रेस्बेरीज से, तो सारे रेडी रेड हो गए, और बस इसके साथ मैं इसके ऊपर पोर कर दूँगी जो हमारी फ्रॉस्टिंग है।
ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। अगर आपने लाइटर कलर देना है तो जो मैंने आपको कलर लिख के दिया है रेसिपी में, आप उसे कम भी डालें। अच्छा, कई बार ऐसे भी होता है कि कई लोगों के पास जेल फूड कलर होता है, मेरे पास ये लिक्विड फूड कलर था। जेल फूड अगर मैंने लिखा हुआ ना आपको कि 1 टेबल स्पून या 1 टी स्पून रेड फूड कलर, तो वो जेल फूड कलर का 1 टी स्पून डाला तो उफ अल्लाह, तब तो बुरा हाल हो जाएगा। तो जेल फूड कलर सिर्फ आप टूथपिक से थोड़ा थोड़ा टच करें बैटर को और फिर मिक्स करके देखें, ठीक है। ये है जी स्ट्रॉबेरीज और ये हैं गोल्डन, देखें कितने शाइनी माशाल्लाह माशाल्लाह ये ग्रेप्स लग रहे हैं। ब्रेकफास्ट टेबल बहुत प्यारा लग रहा था और मेरी फैमिली बहुत खुश हो रही थी। और ये हैं जी रशियन एग्स, और ये हैं साथ में लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये स्टार डिश है मेरा ख्याल में मेरी टेबल की, और ये है रेड वेलवेट पैनकेक। कोई आम पैनकेक नहीं, रेड वेलवेट पैनकेक है और वो भी मैंने आपको स्क्रैच से होममेड सिखाए हैं, आपको कोई भी रेडीमेड लेने की जरूरत नहीं है। मैं शदाब से डिस्कस कर रही थी कि हम लोग चैलेंज करते होते थे, पिज्जा वीक चैलेंज, पास्ता वीक चैलेंज, उसके बाद कभी कोई चैलेंज किया ही नहीं, तो फूड कलर वीक चैलेंज भी होना चाहिए, है ना। और आइडिया इसी से ही आया, ये फर्स्ट एवर हमारा फैमिली चैलेंज है जो हम कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि मेरी फैमिली को फूड कैसा लगेगा। इनको अच्छा ही लगता है अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन चले, रेड कलर से आपका कैसा एक्सपीरियंस है देखते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मजे की बात ये है कि मैं अभी जिस एंगल से अगर आप देखें ना मुझे, मेरी जगह अगर आप बैठे हो, तो ऑनेस्टली मैंने ये नहीं सोचा था कि रेड इस तरह से भी प्रेजेंट किया जा सकता है। इट्स रियली अपीलिंग, बहुत मजे के कलर्स नजर आ रहे हैं यहाँ से, रेड अपने डिफरेंट शेप्स में नजर आ रहा है मुझे। और तय आप बताएं आपको कैसा फील हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, आज गपशप भी लगेगी और आज खाने भी बनेंगे तरह तरह के। तो ये पहले तो स्ट्रॉबेरी रेस्पबेरीज पे अटैक होगा ना, मैं आपको भी अपनी प्लेट दिखाती हूँ, प्लेट नंबर 1, फिर उसके बाद प्लेट नंबर 2 एंड प्लेट नंबर 3 होगी। लाइ मुझे दे दे। और जनाब ये अटैक हो रहा है पैनकेक्स के ऊपर, हमें आपके भी और डालो सॉस इधर लो। दिस सॉस इज सुपर, ये देखिए जरा जबरदस्त किस्म की है, हो गया एक्सीलेंट यार, गुड़िया बहुत मजे की, ऐसे ही सॉफ्ट है। थैंक यू। और सॉस से और ज्यादा जबरदस्त हो गया उसका टेस्ट। हां मम्मा दिस इज, इट लुक्स ऑसम है ना, सही मजे, क्रीमी है सही। मम्मा यार दिस आर ऑसम, थैंक यू। और ये रेसिपी तो आप घर पे भी इजीली ट्राई कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। रेसिपी नंबर 2 और ये मेरा मुंह बीटरूट फील ही नहीं हो रहा है कि बीटरूट है। ये गुड़िया ने बेल जो अपने कमरे में लगाई उसके हैं ये अंगूर, बहुत मजे के हैं गुड़िया, मजा आ गया। तनी जी हम अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं, आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो कि है इसी दिन की लंच की वीडियो। रेसिपीज एक्चुअली मेरे पास बहुत ज्यादा मैंने सोची हुई है, तो इसलिए एक वीडियो में कवर नहीं हो सकती हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आप लोग हमेशा पूछते हैं कि आप हस्बैंड वाइफ आपस में झगड़ा नहीं करते, लड़ते नहीं हैं, आप लोग हर वक्त इतना खुश कैसे रहते हैं। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होता कि झगड़ा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और हम लड़ते झगड़ते हैं लेकिन बात को बढ़ने नहीं देते। और जहाँ तक बात है कि बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि आपके बच्चे आपस में झगड़ा नहीं करते, तो वो बिल्कुल करते हैं, कभी कभी वीडियो में दिखाती हूँ, लेकिन वीडियो का मकसद होता है आपको एंटरटेन करना, आपको खुशियाँ देना। हम सब, मुझे भी मिला के, हम सब अपनी ज़िंदगी में दिन भर बहुत ज़्यादा कभी मसरूफ़ होते हैं, कभी कोई टेंशन होती है, तो उसके बाद डे एंड पे थके हारे हम लोग वीडियो लगाएं, कोई चैनल्स देखें और उस पर रोना धोना लड़ाई झगड़ा ही नज़र आए, तो फिर मज़ा नहीं आता, फिर और बंदा स्ट्रेस में आके लेटता है, सोता है। तो इस वजह से हम आपको सिर्फ अच्छा अच्छा दिखाते हैं और बस इंशाल्लाह इस तरह अच्छा अच्छा ही दिखाएंगे। सिर्फ जो भी है जैसा भी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने ज़िंदगियाँ दी हुई हैं, सेहत दी हुई हैं, तो प्यार और खुशियाँ कोई और आपको दे ना दे, आप दूसरों में ज़रूर बांटते हैं। और जो गरीब लोग हैं उसमें उसमें हमें उनको नहीं भूलना चाहिए खुशियाँ मनाने वाले दिनों में।
तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं लंच के टाइम पे. अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, हैप्पी लव डे टू यू ऑल.